खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। मुहर्रम पर्व को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाए जाने व समय सीमा के अंदर लाइसेंस में दिए गए निर्धारित रूट से जुलूस निकाले जाने को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर SDPO महेश प्रजापति एवं सदर अंचल अधिकारी राजेश कुमार के द्वारा की गई। इन लोगों ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों व मुहर्रम कमेटी के सदस्यों से शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न कराए जाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि मुहर्रम जुलूस समय सीमा के अंदर लाइसेंस में दिए गए रूट से निकाले। बैठक में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों के अखाड़ाधारियों ने अपने जुलूस के रूटों से संबंधित समस्याओं से अधिकारी को अवगत कराया। बैठक में सरकार के गाइडलाइन के तहत पर्व मनाए जाने की बात कही गई। मौके पर सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार लकड़ा, लोसिंगना थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव, बड़ा बाजार TOP थाना प्रभारी घनश्याम कुमार सहित वार्ड पार्षद मोहम्मद इरफान उर्फ काजू, समाज सेवी संजय मलिक, वार्ड काउंसलर फिरोज आलम, पूर्व मुखिया मोहम्मद मोहिद्दीन, कांग्रेस की कोमल राज एवं असगरी अंजुम सहित दर्जनों जनप्रतिनिधिगण व प्रभुत जन मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से आरिफ खान की रिपोर्ट। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हम लोग हैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। आशा करते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहर्रम पर्व बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा, क्योंकि ये त्यौहार ही है बलिदान का, त्याग का। तो हम लोग त्याग देंगे, बलिदान देंगे अपने अहंकार का, अपने ईगो का। और शहर हमारा है, हम सब का है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर के ऊपर में कोई अपना संबंधित थाना में निश्चित रूप से कल तक जमा कर दें, और उसमें जो रूट लाइन है वही रूट लाइन रहेगा, ये आप लोग समझ लें अच्छी तरह से। साथ में DJ पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि रामनवमी में भी DJ निकाला गया, प्रतिबंध रहने के बावजूद कुछ जुलूस के द्वारा उस पर FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हुई। इसका अवहेलना करेंगे तो निश्चित रूप से फिर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, इसलिए इसका अनुपालन निश्चित रूप से करें। साथ और, में और जो गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि वो छूटा हुआ है, या तो ये समझिए कि पुलिस और कोई काम में लगा हुआ है तो थोड़ा सा मतलब बटा हुआ है ध्यान, या फिर वो फिलहाल चल रहा है, जिस समय मन करेगा हम लोग ये करेंगे। तो ये नहीं समझिए कि केस होता है और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। जब हम लोग को मतलब लगेगा कि फुर्सत में है, अभी ये काम कर लेते हैं, तो उस समय वो काम कर लेते, उसका प्रभाव को समझिएगा जरूर। साथ में जो भी जुलूस वाले हैं उनका अध्यक्ष सचिव अपना अपना 15-20 की संख्या में वॉलंटियर्स जरूर बना लें, और वॉलंटियर्स की सूची संबंधित थाना को सौंप दें विथ मोबाइल नंबर। इसके साथ मंडे और खीरगांव में बैरिकेटिंग का काम होता है, जहां उसके अलावा भी कहीं आवश्यकता होगी तो हम लोग देख लेंगे, बैरिकेटिंग करवा देंगे पूर्व में। पानी पीने के पानी के टैंकर की बात हो रही थी, इस संदर्भ में भी पानी का टैंकर जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ की जगह, जहाँ जैसे मंडे हो गया, खिड़गांव हो गया, इस तरह से जहाँ जहाँ लगेगा त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण से उसको संपन्न किया जा सके। लेकिन वही अगर पुराने तरीके से हम लोग का वही जिद रहा कि नहीं प्रशासन ये बोलता है और हम इस प्रकार से ही मनाएंगे, तो वो फिर हम लोग आपसे समन्वयन वाला बात नहीं किए, क्योंकि यहाँ इसलिए बैठते हैं कि जो दोनों तरफ से कुछ भ्रांतियाँ हैं, या फिर आप जो चाहते हैं या फिर प्रशासन क्या चाहता है, उसी के बीच में तालमेल बैठा करके हम लोग त्यौहार को संपन्न करें। जैसे लुकाट के मामले में भी हम लोग बात किए, तो जो सभी के लिए ठीक हो, जिससे कि शांति सौहार्द रूप से त्यौहार को संपन्न किया जाए, वो कीजिए। हम लोग हर त्यौहार के अवसर पर, आज से नहीं, हम लोग जब से हैं तब से हम लोग यही देखे हैं कि त्यौहार के अवसर पर यही हम लोग हमेशा निर्देश देते रहे हैं, जैसे कि वरीय पदाधिकारियों का जो निर्देश होता है आप लोग तक पहुंचाते आए हैं, कि जुलूस DJ एवं पूर्व रिकॉर्डेड गाने का प्रयोग नहीं कीजिए, तो नहीं कीजिएगा। हर त्यौहार में जब हम लोग मना किए हैं तो इस त्यौहार में भी एकदम नहीं रहेगा। और आप लोग का जो जुलूस का मार्ग निर्धारित है उसी मार्ग से चलिए, समय पर ख़त्म कीजिए। अगर ये सभी बिंदुओं का आप लोग पालन करते हैं तो निश्चित रूप से त्यौहार हम लोग इसको आराम से गुजार पाएंगे। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़।
साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।